बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? देखें, ये रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ये मैं आज आपसे ज़कवान की रूटीन शेयर कर रही हूँ। इनकी ये रूटीन है कि रात के 10:30 बजे लास्ट टाइम सो के उठ जाते हैं और उसके बाद फिर ये पूरी रात जागते हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे और कभी कभी तो 7 से 8 भी बज जाते हैं इन्हें सोने में। पता नहीं इसकी नींद इतनी कम क्यों है। अभी रात को जागते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम लोग सब इसके साथ साथ ही जागते हैं। अब घर में जाहिर छोटा बच्चा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जागता रहे और हम लोग सब पढ़ के सो जाएं। ये देखें, सभी जाग रहे हैं, इनके दादा जान जाग रहे हैं, इनके बाबा मामा और मैं भी जाग रही हूँ और माशाल्लाह से इनकी बैटरी बिल्कुल चार्ज होती है और ये बिल्कुल टनाटन होते हैं रात के टाइम। दिन में ही सो रहे होते हैं 3-4 बजे तक। माशाल्लाह खेलते रहते हैं, बस ये कंपनी चाहते हैं कि ना इस टाइम सब मुझे कंपनी दें, मेरे साथ एंजॉय करें, खेलें। माशाल्लाह से रोता नहीं है कि रात को परेशान कर रहे हैं, रो रहे हैं, बस खेलना चाहते हैं इनकी। लेकिन रूटीन इनकी चेंज नहीं हो रही। बहुत कोशिश की, नहीं भी सुला कर देख लिया कि नहीं सुलाया हमने कि चले ये शायद सो जाए रात में, मगर नहीं, इनकी रूटीन चेंज नहीं हो रही है अभी तक। ये माशाल्लाह 1 साल के हो गए मगर इनकी अभी तक रूटीन यही है। रात में ये शुरू से ही रात में जागते हैं रकवान। अब रात में जाग रहे थे तो जाहिर सी बात है फिर भूख लगी, भूख लगी तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हसन ने कि चले सब पिज़्ज़ा खाते हैं। तकरीबन 3:30 बजे हमारा जनाब ऑर्डर आया, फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और अब ये तकरीबन 4:45 बजे मैं ये व्लॉग आपको अपलोड करूंगी। देखिए माशाल्लाह से खेल रहे हैं। बच्चों की यही होता है, बस ये थोड़ा टाइम होता है फिर बच्चे अपनी अपनी जाहिर नींद सोने जागने लगते हैं तो अब हम लोग भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं इसकी इस बातों से और सब खुशी खुशी हम लोग सब जागते हैं ज़कवान की वजह से। ये तो हमारे घर का भाई बहुत कीमती तोहफा अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बहुत प्यारा सा शहजादा हमारा। तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते कि हम जाग रहे हैं या इतनी रात हो गई और हम परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि अपनी नानी के भी गए हुए होते हैं तो हम इन्हें बुलवाते हैं बोल बोल कर हसन से कि भाई ले के आओ, हमारा दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही होता है, ज़कवान के आने से हमारे घर में बहुत रौनक माशाल्लाह से हो गई है, अल्लाह नजरे बस से बचाए। देखें रात का बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल बाहर सन्नाटा और अंधेरा हो रहा है और घर में मगर माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है ज़कवान के दम से। सब लोग सो रहे हैं आसपास वाले और हम लोग जाग रहे हैं, चांद रात का समय है। अच्छा, हरकतें भी ना नई नई इसकी। अब ये देखें, ये बिल्कुल यानी बताता है कि हाँ ये मैं बहुत शरारती बनूंगा। देखें अभी से ये झूला पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करना और हर चीज पे पकड़ पकड़ के बस ऊपर चढ़ना है कहीं ना कहीं ने। झूले में ऊपर चढ़ना ही है और ऊपर से फिर और ऊपर अलमारी की तरफ पाँव कर करके कि मैं अलमारी के ऊपर भी ऊपर चढ़ जाऊं, ये इनकी हरकतें होती हैं बस। और ये कल लिया था कार्ड, हमारे मोहल्ले में आया था कार्ड देने के लिए ये, तो हमने ये कल लिया था 600 रुपए का कार्ड। इसमें काफी सारे कूपन हैं और डिस्काउंट में ये पिज्जा मिल जाता है। अभी हमने लार्ज पिज्जा मंगाया था, ये 1500 का था वैसे इसका, लेकिन 600 का आया ये डिस्काउंट में। तो ये कूपन वगैरह सही रहते हैं और पिज़्ज़ा सही था, बुरा नहीं था। और आप लोग भी इस तरह का एक कार्ड अगर ख़रीद लें तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। देखिए जनाब पिज़्ज़ा आ चुका है और हम लोग अब पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को और ख़ास तौर से हमारे गुड्डे शहजादे को ज़रूर याद रखा करें। हम लोग भी आपके लिए, सबके लिए बहुत दुआ करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट
न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।